ये आदत है जो बहुत जो मेरे माँ बाप हैं दोनों दे आर वेरी वेरी इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स तो हमेशा उन्होंने इनकरेज किया कि बुध जोया और मैं पढ़ें क्योंकि अगर आपको लगा कि आपको कुछ क्रिएटिव फील्ड में करना है आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फर्स्ट इज रीड एंड द सेकेंड थिंग इज राइट आई थिंक दोज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स सो आई हैव ऑलवेज इन्जॉयड रीडिंग अनफॉर्चुनेटली पिछले सालों में इतना वक्त नहीं मिला है टू रीड एज मच एज आई वुड लाइक टू एंड एज आई यूज टू But again, whenever I get a chance to, यार तो बहुत पहले मतलब 5 साल पहले आया था क्योंकि मेरे साथ मतलब जैसे मैं बता रहा था अपने इंट्रोडक्शन में 2-3 नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हो गए थे और वो मेरे ख्याल में तो मेरे दिमाग में थोड़े एग्जैजरेट हो गए थे ऐसा कुछ हुआ नहीं था पर जैसे हम हर आदमी के पास क्या होता है कि अगर हमें छोटी सी चोट मिले हम बोल देते हैं कि फ्रैक्चर हो गया है तो उस लिहाज से कई ऐसे एक्सपीरियंस हो गए थे और इनकी वजह से मैं सोचने लगा कि मरने के बाद क्या होता है वगैरह वगैरह तो 5 साल से मैं इस किताब के बारे में सोच रहा था और आखिर में वो निकल गई तो